अगर दोस्तों मैं आपको कहूं कि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, अगर उसकी पॉलिसी के बारे में अगर हमें जानना हो, हमारे गवर्नमेंट के अंदर चल क्या रहा है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में चल क्या रहा है, तो दोस्तों इसकी रियलिटी हमें कहां से देखने को मिलती है? अधिकतर लोग दोस्तों यही जवाब देंगे कि हमें टेलीविजन, हमें न्यूज के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। न्यूज़पेपर, जो लोग दोस्तों न्यूज़पेपर रीड करते हैं उन्हें न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारी जानकारियां मिलती है कि हमारे देश में चल क्या रहा है, एक्चुअल में हमारे पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल की सिनेरियो क्या, किस तरीके से है, वो सारी चीजें हमें कहां से देखने को मिलती है दोस्तों? चैनल के थ्रू, जो भी चैनल आज तक न्यूज हो गए उनसे हमें देखने को मिलती है। अगर दोस्तों अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो अदर रिसोर्सेज की लोग जहां पे दोस्तों रियलिटी बातें होती है वहां पे दोस्तों कोई भी ज्यादा अप्रोच नहीं करता, कोई भी दोस्तों वहां तक पहुंच नहीं पाता। जैसे YouTube की एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, YouTube पे बहुत सारे कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं जो दोस्तों लिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वही लोग ज्यादातर YouTube का इस्तेमाल करते हैं। बट दोस्तों अगर हमारे बुजुर्गों जो इलेक्ट करते हैं, जो इलेक्शन ज्यादा डालते हैं दोस्तों, वो ज्यादातर यूज करते हैं न्यूज। जी हाँ दोस्तों, वो ज्यादातर रिफर करते हैं न्यूज चैनल पे, ज्यादा सुबह उठते हैं दोस्तों, वो न्यूज देखते हैं या फिर न्यूज पेपर रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आप गलत नहीं हूं तो दोस्तों ये हम मान लेते हैं कि जो भी चीजें हमें न्यूज पे दिखाई जाती है वो एक्चुअल में रियलिटी बन जाती है हमारे थॉट्स प्रोसेस की। अगर दोस्तों न्यूज मोदी की तारीफ करता है तो मोदी हमारे रियलिटी में, हमारे थॉट्स में एक बहुत अच्छे हीरो बन जाएंगे। अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी हमारे माइंड में एक हीरो बन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो इस तरीके का न्यूज दिखाते ही रहते हैं जिससे हमारे माइंड को ब्रेन वॉश करते रहते हैं। ब्रेन वॉश कर करके दोस्तों एक समय होता है कि हम रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे इंडियन पीपल्स को बेवकूफ बनाया जाता है, हम चुपचाप दोस्तों बेवकूफ बन रहे हैं, और इसका रीजन क्या है दोस्तों और इसके सॉल्यूशन क्या है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। तो दोस्तों वो एग्जांपल मैं लूंगा कोरोना काल। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की बात करता हूँ। कोविड-19 में दोस्तों अगर सबसे बड़ी बात की जाए कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वह है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, इकोनॉमिक्स डाउन हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो तीन पॉइंट मैंने बोला, इकोनॉमिक्स डाउन हो रहा है दोस्तों, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सेक्टर, जीडीपी, तो नाम बताएं दोस्तों, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जिन पे न्यूज चैनल्स कभी बात नहीं करते। वो आपको दोस्तों सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा उसका एक डेटा आपको रिलीज करा देंगे, बात खत्म। और दोस्तों अगर जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे करके फेसेस में दिखा देंगे, और दोस्तों उसका रीजन क्या है बिहाइंड वो आपको दिखाया नहीं जाएगा। इन सब चीजों में अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ तो नंबर वन चैनल मुझे राज्यसभा और लोकसभा लगती है। दोस्तों राज्यसभा चैनल्स पे दोस्तों अलग अलग सेक्टरों से अलग अलग चीजें बताई जाती हैं कि भारत की जीडीपी क्यों गिरी हुई है और इस जीडीपी गिरने का रीजन क्या है दोस्तों, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है। तो दोस्तों ये सारे रीजन बट राज्यसभा पे दिखाई जाती है, बट राज्यसभा चैनल ज्यादा लोग रिफर नहीं करते हैं। वो वही बच्चे रिफर करते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट दोस्तों अगर हमारे बुजुर्गों की बात की जाए, जो हमारे पेरेंट्स उनकी बात की जाए, तो वो कभी इस चैनल को नहीं देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आज तक एबीपी न्यूज, ये सब चैनल को रिफर करते हैं जो कि दोस्तों रियलिटी से बहुत दूर होती है। दूसरी दोस्तों एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है दोस्तों हमारे लिए नहीं, बट दोस्तों जो बच्चे हैं, बच्चे तो दोस्तों सोचते नहीं इतना अपने बारे में, उनको क्या है दोस्तों कोविड-19 है, ठीक है दोस्तों हमारा साल खराब हो रहा है, उनसे कुछ मतलब नहीं है। बट दोस्तों हमारी गवर्नमेंट अगर इस साल एग्जाम लेती है तो सोचिए दोस्तों बच्चे किस तरीके से एग्जाम को देंगे। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो ये वीडियो आप देखिए, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन में किस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों से लेकर पेरेंट्स तक। तो दोस्तों पूरे साल जो बच्चा ऑफलाइन में स्टडी नहीं कर पाता तो वो ऑनलाइन में किस तरीके से स्टडी करेगा और वो एग्जाम किस तरीके से देगा। बट दोस्तों ये चीजें कभी हमारे चैनलों पे नहीं दिखाई जाएगी, किसी भी न्यूज पे नहीं बताया जाएगा, उनको सिर्फ एक ही चीज बताना है कि न्यू पॉलिसी आ गई है, ऐसे ऐसे करना है और कुछ मतलब नहीं है। एक कोई एपिसोड बना देंगे उस पर छोटा सा 15-20 मिनट का, वो बात खत्म। पॉवर्टी की दोस्तों अगर बात करते हैं, गरीबी तो दोस्तों पहले तो बहुत ज्यादा हमारे भारत में 70-80% गरीबी थी दोस्तों, बट अब कोविड-19 की वजह से दोस्तों गरीबी और बढ़ गई है। बट वो भी डेटा आपको रिलीज नहीं किया जाएगा, वो भी डेटा बहुत ही कम रिलीज किया जाएगा जिससे आप तक रियलिटी ना पहुंच पाए। और पॉवर्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि एबीपी न्यूज आज तक हमें पॉवर्टी को बरोबर अच्छे से बताए कि किस स्टेट में कितनी पॉवर्टी बढ़ी हुई है, कहाँ पे बेरोजगारी लोग बढ़ गए, कौन सा गाँव जो दोस्तों ध्वस्त हो चुका है इस समय कोविड-19 की वजह से, ये सब दोस्तों आपको चैनल्स पे नहीं दिखाई देंगे। जब हमारे यहाँ पे दोस्तों 370 आर्टिकल्स को अबॉलिश करा दिया गया था, राम मंदिर के फैसले लिए गए थे दोस्तों, अगर मैं वहां से बात करता हूँ तो वहां से अभी तक के न्यूज में, बिग न्यूज में दोस्तों कोई भी ऐसा न्यूज नहीं है जो दोस्तों हमारे काम का है। 370 आर्टिकल्स खत्म किया गया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया दोस्तों। बट दोस्तों वो चीजें भी ध्यान देनी चाहिए हमें जो कि लोअर पोजीशन पे, हम इस पोजीशन पे बात कर रहे हैं दोस्तों, बट क्या हमारा लोअर पोजीशन सही है? लोअर पोजीशन से दोस्तों मैं वही बात कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन कोविड-19 के काल में दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। जैसे दोस्तों अगर
एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 370 आर्टिकल्स, फिर दोस्तों राम मंदिर, और राम मंदिर के बाद दोस्तों विकास दुबे का एनकाउंटर होता है। दोस्तों विकास दुबे के बाद में न्यूज पे भी कुछ भी दोस्तों रियलिटी में बताया नहीं गया है, वो सिर्फ आपको बताया गया कि एनकाउंटर हुआ कैसे, उस पर कोई छानबीन नहीं हुई। फिर दोस्तों अमिताभ बच्चन को कोरोना हो जाता है, कोरोना के बाद दोस्तों विकास दुबे कहीं चले जाते हैं, उनको उनका न्यूज कभी फिर दोबारा टीवी पे आता ही नहीं है। दोस्तों क्या होता है मुझे खुद को नहीं मालूम दोस्तों कि उसके बाद क्या होता है। फिर दोस्तों अगर बड़ी बड़ी न्यूज की बात करें, फिर दोस्तों सुशांत सिंह सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड होता है या उनको मार दिया जाता है, ये बात अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और फिर दोस्तों उसी सुशांत सिंह के केस को खोजते खोजते दोस्तों ये ड्रग्स तक पहुंच जाते हैं, और फिर ड्रग्स तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों ड्रग्स से टीआरपी पे आ जाते हैं, और अर्णव गोस्वामी को बोलते हैं कि टीआरपी किस तरीके की प्रॉब्लम हुई टीआरपी से। दोस्तों टीआरपी करते करते दोस्तों पता चला कि अर्णव गोस्वामी ही अरेस्ट हो गए, और फिर जैसे वो अरेस्ट होते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, हर जगह पे लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर वो छूट के आते हैं, फिर हमें न्यूज में बताया जाता है कि वो इस तरीके से छूट के आए हुए। देखिए दोस्तों उन्होंने दरवाजा खोला और वो इस तरीके से बाहर आ गए, अब वो दोस्तों अपनी गाड़ी में चढ़ रहे हैं। दोस्तों ये फालतू की न्यूज क्यों टीवी पे दिखाया जाता है वो मुझे क्या बताऊं दोस्तों, मैं आप लोगों को कितनी बुरी लगती है कि जो दोस्तों रियलिटी है वो चीजें हमें, जो काम की चीजें है वो दोस्तों आज तक न्यूज पे कभी दिखाते नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही अर्णव जेल से छूट के आते हैं दोस्तों वैसे ही दिवाली आ जाती है, और फिर इसी दिवाली में दोस्तों ये बताया जाता है कि योगी जी दोस्तों फर्स्ट टाइम यहाँ अमृतसर में आए हुए दोस्तों दिया जलाने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोस्तों हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों अब ये कहाँ जाने वाले हैं, वहां से दोस्तों वापस ये रिटर्न आएंगे, किस तरीके से रिटर्न आएंगे, वो पैदल आएंगे दोस्तों कि वापस हेलीकॉप्टर से आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके की न्यूज हमारे टीवी पे दिखाया जाता है। तो दोस्तों वो किस तरीके से दिया जलाए ये देखिए दोस्तों, उन्होंने दिया जलाने के लिए माचिस को उठा लिया है, अब दोस्तों देखते हैं कि दिया कितने सेकंड में जलती है। तो दोस्तों इस तरीके की न्यूज हमारे टीवी पे बताए जाते हैं। तो दोस्तों ये किस काम के है मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं, वो आगे जाते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे लिए काम करेंगे, पर दोस्तों ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, बहुत ही कम। दोस्तों रियलिटी है कि क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, 45% पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखिए, जिसमें बताया गया अच्छे से कि कितने परसेंट हमारे पार्लियामेंट में लॉ बनाने वाले हैं, जब लॉ बनाने वाले ही गलत रिप्रेजेंट होंगे दोस्तों, वो ही इलेक्ट गलत होंगे, तो दोस्तों किस तरीके का देश का कानून होगा वो आप समझ सकते हैं। और दोस्तों इसी गलती में किसी और को नहीं दूंगा, इसके कारण जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि दोस्तों हम ही वो हैं जो क्रिमिनल्स को इलेक्ट करके वहां तक भेजते हैं। अगर हम क्रिमिनल को इलेक्ट नहीं करेंगे तो वो दूसरे क्रिमिनल्स को इलेक्ट नहीं करेगा, वो दूसरे को नहीं करेगा। तो फाइनली दोस्तों हमारे भारत में क्रिमिनल मुक्त एक कानून हो पाएगा, जिससे दोस्तों देश को आगे तक चलाया जा सकेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बताइए दोस्तों कि आप मेरी किस बात से सहमत हैं, अगर वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो मैंने क्या गलत बोला वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।